राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, लाइक ऑन टफर लेवल में बोलूंगा इस क्वेश्चन को। बट एनीवेज, अगर कोई बीपीएस का रिकर्शन पार्ट पूरा फिनिश करके आया देन उसके लिए उतना टफ नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, लाइक समझ में तो आई जाना चाहिए क्या करना है। एंड अगर कोशिश किया होगा तो वी मस्ट हैव डन इट। ओके, तो पहले चलते शिव के पास, पूछते हैं उनका आज का डे कैसा गया। शिव, हाउ वॉज द डे टूडे? काफी अच्छा था करण, काफी मजा आया करके। क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे आपको, राइट? यस। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज तो टिपिकल है, एक बार समझते हैं, ठीक है? क्वेश्चन पहले तो आपको बोल दिया आपको एन दे देगा, ठीक है, कुछ भी दे देगा। मान लो आप एन दे दिया टू, इसका मतलब क्या है, आपके पास टू का पावर टू जो है ना फोर, तो जीरो से लेके थ्री तक का परमुटेशन है। आपके पास जीरो से लेके फोर, जीरो लेस देन टू का पावर एन तक का परमुटेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको एन दे देगा, आपके से परमुटेशन अवेलेबल है, मतलब एन अगर टू इशू तो जीरो से लेके फोर तक के बीच का परमुटेशन आपका अवेलेबल है। एंड आपको इसको एक परमुटेशन रिटर्न करना है जिसमें क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा, बट इनिशियल लैंग्वेज समझ में आया। आपको एन दे देगा, आपको जीरो से लेकर टू का पावर एन से कम तक एक परमुटेशन अवेलेबल है, एन टू है तो जीरो वन टू थ्री नंबर अवेलेबल है। आपको इनको परम्यूट करने है इस टाइप में कि हर दो सक्सेसिव नंबर में वन बिट डिफरेंस हो, मतलब क्या होता है देखिए, सिर्फ जीरो का बिट कैसा होता है, ऐसा होता है, यस, वन का, यस, शुभ, इन दोनों में कितना बिट का फर्क है, एक बिट का, तो सही है। फिर टू का शुभ, वन जीरो, शुभ, ये सही है कि इनमें कितना बिट का फर्क है, दो बिट का, तो ये दिस इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन, ये आंसर नहीं बन सकता, यस। अच्छा, मैं अगर शुभ थ्री रख देता हूँ, ठीक है, जीरो वन थ्री, शुभ इनमें कितना बिट का फर्क है, एक बिट का, तो ऐसा ही आगे चलो। अब इधर टू बचा, टू ही ना शुभ, एक ही तो बच रहा है, टू रख दिया, वन जीरो, तो इसमें कितना बिट का फर्क है, एक, तो दिस इज पॉसिबल भाई, तो जीरो वन थ्री टू इज अ पॉसिबल आंसर, तो ये आपका आंसर हो गया। और भी हो सकता है पॉसिबल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल आंसर, राइट शुभ। एंड क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट में जीरो फिक्स है भाई, मेरे भाई फर्स्ट में जीरो फिक्स है, फिर आपको जो करना है करिए, ठीक है भाई। और क्या आंसर पॉसिबल आप बोल रहे हैं, जीरो टू थ्री वन आप करके देखिएगा, ये भी पॉसिबल है। जीरो का शिफ्ट क्या होता है, डबल जीरो, टू का शिफ्ट क्या होता है, वन जीरो, तो एक बिट का फर्क है, थ्री क्या होता है, वन वन, एक बिट का फर्क, वन क्या होता है, जीरो वन, एक बिट का फर्क, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल आंसर, ठीक है। तो ओवरऑल द क्वेश्चन इज दिस मच, कि आपको एन दे देगा, आपको जीरो से लेकर टू का पावर एन तक का एक परमुटेशन दिया हुआ है, आपको उसको ऐसा परमिट करना है कि हर दो एडजेसेंट नंबर में वन बिट डिफरेंस हो, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो या बस ये इतना ही क्वेश्चन है, देखिए आपको आपको रिटर्न करना है एडेंट परमुटेशन, और परमुटेशन क्या होगा, रिटर्न करना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन एन। अच्छा शिवा, बताइए आप क्या सोचे इसको क्वेश्चन में देख के। वही करें, क्योंकि हम लोग को कोई भी परमुटेशन रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम मेनी नंबर्स वी कैन स्टार्ट, जीरो से प्रोबेबली स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो फिक्स दिया, कुछ नहीं बोला कि जीरो से स्टार्ट करना ही है आपको, यस, तो फिर आप सारा परमुटेशन टाइप बना लेंगे, राइट, यस। एंड उसको फिर आप चेक कर सकते हैं, जॉर ले सकते हैं, और उसके बाद फिर बिट काउंट कर सकते हैं कि बिल्ट इन पॉप काउंट से कि कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितने सेट बिट्स आ रहे हैं। अच्छा, और अगर डिफरेंस वन का ही रहा देन इट्स एक्सेप्टेड, और एल्स अगर ज्यादा हो गया तो फिर उसके जगह पे कोई दूसरे नंबर को रख के ट्राई करना होगा। गाइस, बेसिकली शुभ जो बोल रहा है, मुझे ये समझ में आया कि वो बोल रहा है कि अगर एन टू है मान लो, तो इसका परमिशन एक टू बना देगा, जीरो वन टू थ्री, देन यूजिंग द नेक्स्ट परमिटेशन, बस जीरो को फिक्स रखना है कंपल्सरी इधर, तो इन तीनों को परमिट करेगा, नेक्स्ट परमिटेशन यूज करने से ये जीरो आई थिंक वन थ्री टू आ जाएगा, फिर इसका नेक्स्ट आ जाएगा जीरो टू वन थ्री, फिर जीरो टू थ्री वन, एंड ऐसे और दो टू आएगा, छे टू बन गया। अब शिव देखिएगा क्या ये आंसर हो सकता है मेरे भाई, उसके आंसर देखेंगे, शिव बोला कि वो चेक करेगा कि वन बिट डिफरेंस होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, शिव एक्सोर करेगा, बोल रहे हैं एक्सोर करके देख सकते हैं। हाँ गाइस, आगे ये बात समझ जाते हैं, कैसे पता चलेगा कि दो बाइनरी नंबर में उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में एक बिट का डिफरेंस है। देखो मानो वन और टू, वन और जीरो, वन और टू, वन और टू का बात कर रहे हैं, वन कैसे है शिव, ऐसा उसमें दो का फर्क है, उससे एक्सोर शिव क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, ठीक है, एंड थ्री में कितना बिट होता है, दो, तो भाई दो का फर्क है। अब मान लो आपको टू थ्री का चाहिए, टू थ्री का क्या होता है, टू होता है आपका वन जीरो, थ्री होता है वन वन, इन का शिप क्या होता है, जीरो वन, एक्सोर होता है वन, एंड शिप वन में कितना बिट होता है, एक, तो हाँ इनमें एक ही बिट का फर्क है। इसलिए आपको पता होगा जब दो नंबर पूरे सेम होते हैं, कोई भी बिट का फर्क नहीं होता, शिप एक्सोर क्या आता है, जीरो आता है उस समय, है ना। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं शिप, जो सही बोला कि वो दो नंबर का एक्सोर दे देगा, एंड ही कैन काउंट द नंबर ऑफ बिट्स इन द आंसर, अगर आंसर में एक ही बिट हुआ शिप बेसिकली, तो वो हो जाएगा सही है, एक बिट नहीं हुआ तो शिफ्ट गलत है भाई। इसमें देखिए वन टू में जब शिफ्ट करेगा दो बिट आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है ना, यही बोल रहे हैं शिव आप,
एंड अगर किसको पता नहीं कैसे बिट काउंट करना है शुभ, तो क्या रिकमेंड करेंगे इसको? बिट्स का प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। ये सब बहुत क्लियर बात हुआ है कि बिटकॉइन पॉपकॉर्न वगैरह इंप्लीमेंट कैसे होता है, वो सब भी अपने बात किए थे, तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली बस एक इटरेशन करना है शुभ, इटरेशन करके आप देख सकते हो कि है कि नहीं, अगर ट्रू हुआ तो यू कैन रिटर्न इट फ्रॉम हियर। तो शुभ ठीक है, समझ में आ गया होगा आई गेस। एंड शुभ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका? n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इनटू n, मतलब हां मतलब n माइनस 1 फैक्टोरियल एक्चुअली आप करेंट 0 तो फिक्स है मेरे भाई। यस, तो n गाइस ये n नहीं है, n 2 का पावर n, मतलब n तो क्वेश्चन में आपको देगा, आपको 2 का पावर n लेना पड़ेगा, n 2 का पावर n को मैं कैपिटल n मान लेता हूं। तो आपको कितना परमुटेशन बनाना पड़ेगा शुभ? n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट? यस, एंड हर एक परमुटेशन कॉरस्पोंडिंग आपको पूरा एरे ट्रैवल करना पड़ेगा जो कि n होता है। तो आंसर हो गया n फैक्टोरियल एग्जैक्टली, राइट? यस, तो दिस इज क्लियर, ये क्वेश्चन n फैक्टोरियल में हो जाएगा आराम से। शुभ n फैक्टोरियल बहुत ही यूज होता है, राइट? n 10 भी हो जाए तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे तो नहीं करना है, बट ये अप्रोच आपको माइंड में एटलीस्ट आना चाहिए एक्सपर्ट, ठीक है? और कुछ सोचते हैं शुभ? वही कर सकते करण कि एक एरे, मतलब जब जितना उसके सारे पॉसिबल हो सकते हैं उन सबको रख लेंगे, हाँ, और हर एक नेक्स्ट पॉसिबल को रख के देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जीरो के बाद में वन भी आ सकता है। फर्स्ट में जीरो तो फिक्स है, हाँ, अब आप क्या बोल रहे हैं? वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है। फोर अलाउड इन, मान लो 0, 1, 2, 3 है, मतलब अगर और बड़ा हमारा, हाँ, तो मैं इस केस में बताइए 1, 2 आ सकता है, तो आप क्या करेंगे? हाँ, तो वन रख के देखेंगे, टू रख के देखेंगे, दो के साथ लेंगे। यस, ठीक है, फिर उसके बाद फिर करें वन के कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या पॉसिबल हो सकता है आगे। थ्री हो सकता है इधर वन के आगे कोरस्पॉन्डिंग, और टू के कोरस्पॉन्डिंग भी थ्री एक हो सकता है। अच्छा, फिर आप इधर थ्री रख के देखेंगे, 0, 1, 3। यस, अब 0, 2, 3। यस, अब फिर आगे बस जो बच रहा है उसको रख के देख सकते हैं, उसी तरीके से चेक करते चलेंगे। हाँ, तो बेसिकली गाइस शुभ ये बोल रहे हैं कि आपको स्टार्टिंग का फिक्स है 0 ही होने वाला, तो आप देखो 0 के पास आप क्या क्या रख सकते हो, यानी देखेंगे कैसे शुभ आप कि 0 के पास क्या क्या रख सकते हैं। 0 का हमारे पास बिट पता है, ठीक है, उसमें से एक एक बिट जो हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास कितना बिट सेट हो सकता है? n, वही n, तो उसमें से n में से किसी किसी को एक बार सेट करके रख लेंगे। सही बात, मान लो आपको x है, x कुछ भी नंबर दिया है रैंडम सा, ठीक है, आपको इसका नेक्स्ट निकालना, जैसे मान लो इसे अभी 3 है, ठीक है, नेक्स्ट कौन भेजा सकता है आपको देखना था, तो आपको देखना है इसके बाद कौन भेज सकता है मेरे भाई, तो आपको एक बिट का फर्क है वही रह सकता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी? 1, 0, 1, 1 रह सकता है कि नहीं रह सकता है, और कौन रह सकता है? 1, 0, 0, 0। मैं भाई इस पे गेम किया तो ये हो गया, इस पे गेम किया तो ये हो गया, और इस पे अगर गेम करूंगा तो क्या होगा? 1, 1, 1, 0, राइट? एंड इस पे गेम किया तो क्या हो जाएगा? 0, 0, 1, 0। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग शिप 4-2 पॉसिबिलिटी है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा रह सकता है, एंड तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, यू कैन चेक इट, एंड जो जो रह सकते हैं शुभ, अब आप बोल आप हर एक को रख के देखोगे कि अगर ये रहेगा तो क्या पॉसिबल, ये रहेगा तो क्या पॉसिबल, ये रहेगा तो ये, बट शुभ एक बात बताइए, ऐसे अगर तो इसमें शुभ ऐसा हो रहा था ना कि 1 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या पॉसिबल है, मतलब 1 अगर ऐसा है तो आप इसको हटा दोगे तो बन जाएगा शुभ 0 पॉसिबल है, और इसको हटा दोगे तो बन जाएगा 3, तो अब 0 को तो रखे नहीं इधर 1 के बाद, उसके लिए करें हम लोग काइंड ऑफ विजिटेड एरे ये सब रख सकते हैं बना के, कि अब तक में हमने क्या इस्तेमाल कर लिया है, right, और जो रिमेनिंग है उसमें हम लोग क्या कर सकते। तो गाइस जैसे शुभ जो अप्रोच हुआ 1 के बाद तो 0, 3 कुछ भी रह सकता है, बट वो 3 को क्यों रखा है 0, क्योंकि 0 ऑलरेडी आपका आ चुका है सीक्वेंस, राइट? और ये परमुटेशन में आपका ये बोल दिया क्वेश्चन परमुटेशन करना है, तो परमुटेशन में कोई रिपीट नहीं होता, तो बेसिकली आप हर एक इटरेशन का विजिटेड एरे बना सकते हैं और सेट व्हाटएवर यू कैन मेक टू गिव अ ट्रैक कि भाई ये पॉसिबिलिटी है, अगर ये आ गया तो इसको हटाओ, ये नहीं आया तो इसको लेकर बुला दो। मान लो पॉसिबिलिटी 0, 3, 5 होता, तो 0 पे नहीं बुला सकते, 3 पे कॉल करते और कॉल करते 5 पे, एंड इसका विजिटेड एरे में 3 घुस जाता है, इसका विजिटेड एरे में 5 घुस जाता है, तो इसका नया विजिटेड एरे में 3 आता है, इसमें 5 होता है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू दिस। मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा लिखने में शुभ, बट अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए, एंड शुभ आई कैन ग्लैड टू से पूरा परफेक्ट अप्रोच हुआ, दिस इज द ऑप्टिमल अप्रोच जो शुभ बोल रहा है। यस, एंड तो फिर फाइनली ड्राइविंग करते शुभ, ठीक है, मान शुभ आपको n3 दिया हुआ है, मतलब शुभ नंबर 0 से 8 तक कुछ भी हो सकता है ना, yes, कोई 8 तक का परमुटेशन बनाना है, 0 से लेके 7 तक, हाँ 0 से 7 तक, आई एम सो सॉरी, ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना है 0 से, आप देख सकते हो 0 के बाद, क्योंकि n3 है मतलब 3 बिट, राइट शुभ? यस, 3 बिट पक्का है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है 0, 0, 1, राइट, 0, 1, 0 या 1, 0, 0, ये 3 पॉसिबल है, 1, 2, 4, तो एक कॉल आप करोगे 1 पे नया 0.1 बन जाएगा, एक कॉल करोगे 2 पे 0.2 बन जाएगा, नेक्स्ट कॉल करोगे 4 पे 0.4, राइट। अब 1 के बाद शुभ क्या क्या रह सकता है आप देखोगे, 1 का भाई ऐसे दिखता है 1 तो मेरे भाई, तो बन सकता है ये तो ऐसे बन सकता है, इधर चेंज करोगे तो 0, 1, 1,
इधर चेंज किया तो शिप 101 राइट, ये तीन पॉसिबिलिटी। यस एंड अगर आप तीनों में बात करो ये तो शिप आप नाउ यू चेक द विजिटेड अरे, वो विजिटेड में 01 विजिटेड है तो 0 पे तो ये नहीं आप कॉल नहीं करोगे, ये विजिटेड नहीं है तो आप इस पे कॉल करोगे तो क्या 3 है ना, ये 3 और नया अरे 013 बन गया है ना। यस और एक कॉल क्या करेंगे शिप आप, ये 5। यस तो 5 पे कॉल करेंगे नया अरे 015 बन गया है ना। यस एंड अगेन आप 2 पे जाएंगे रिपीट द सेम प्रोसेस 2, तो मेरे भाई ऐसे दिखता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा 011 000 और 110। अगेन इस पे आप कॉल नहीं करेंगे, इस पे दोनों पे आप कॉल करके देखेंगे एंड अगेन इधर भी सेम प्रोसेस करेंगे, फिर इधर आगे आगे आप सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। एंड अगर अगर शिफ्ट द बेसिस पे क्या हिट होगा, कैसा क्या होगा करें जब विजिटेड एरिया हम लोग का पूरा विजिट हो गया, हाँ या फिर जो लोग भर रहे हैं आ रहे थे उसका पूरा भर गया, डिपेंड्स मतलब आप कैसे लिखते हैं, हाँ तो आपका हो जाएगा राइट। एंड ये बात है अगर भर गया तो आंसर होगा वो परफेक्ट होगा डाउटिंग, क्योंकि आप हर बार बेस्ट जो आंसर हो सकता है वही रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कभी 0123 बना रहे जो मैं मना कर दूं आंसर। शिप जब पहले करते थे इसमें पता क्या, शिप पहले सारा चेक करा था, इसमें शिप बना ही बोल रहा है जो बन सकता है, क्योंकि वो वन गलत शिप कभी दूर रखेगा ही नहीं, वन गलत पॉसिबल 0 तो 0 रख नहीं सकता, 3 ही रखेगा वो, जो बन सकता है वही बन रहा है, ये पॉजिटिव बात है, तो इससे वह एन फैक्टर जो था यहाँ वो गायब हो जा रहा है। ठीक है शिव, प्लीज अननेसेसरी आप चेक कर नहीं रहे, तो नेसेसरी उसका आगे बना बना के भेज रहे हैं एंड अटेंड यू गेट एन आंसर। एंड वही बात है शिव, इसमें अगर टाइम का बात करें हम तो आप एन लेवल तक मैक्सिमम जाएंगे, एन लेवल तक जाएंगे एंड हर लेवल में एक के कॉरस्पॉन्डिंग आपको चेक करना है तो वो स्मॉल एन के बराबर होगा, मतलब स्मॉल एन में क्या बोल रहा हूँ बेसिकली यू कैन थिंक की आप कुछ वन देखते हैं, वन के बाद क्या रह सकता है, तो 3 बिट था, हर एक बिट आप चेक करें, ये बिट yes. को देखने तो हर एक आप एन कॉल कर रहे हैं उसके आगे कॉल कर दे रहे हैं एंड टोटल कॉलिंग कितनी बार हो सकता है 2n लेवल तो नहीं हो सकता है, मतलब वेक्टर का एन आपको दिया हुआ है कुछ भी 2n नंबर बन सकता है एंड उसे कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल एन काम करें, तो दिस इज द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी अप्रॉक्सीमेटली, इसे थोड़ा बढ़ सकता है करेक्ट कर देना, बट ये समझ में आना चाहिए ओवरऑल थिंग राइट। Yes. शिप यही अप्रोच था, पहले तो ब्रूट फोर्स समझ में आया, वहां देखते हैं अननेसेसरी काम फालतू का कर रहे थे जो नहीं बन सकता उसको चेक कर रहे थे, तो अभी जो बन रहा है उसको बना बना के चेक करें, जितना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट या इट विल बी फन। एंड मैं अभी रिक्वेस्ट सही में एक दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप खुद से लिखिए, जब आप खुद से लिखेंगे चैलेंज फेस करेंगे भाई यहाँ दिक्कत हो रहा है, तब आप कोड देखेंगे तो आप बेटर रिलेट कर पाएंगे, है ना शुरू yes. आप देखोगे मेरा तो फिर नॉट अ हेल्दी हैबिट, ठीक है आपकी इच्छा बाकी, लेट्स गो टू द कोड। ठीक है ओके या देखो देखते हैं कोर्ट में क्या लिखा हूँ, तो देखिए पहले तो एक मैं आंसर जो मैं फाइनल रिजल्ट होगा उसको बना दिया अरे एंड मैं पुशबैक कर दे 0 तो कंपलसरी है भाई, एक सेट बना लिया भाई कि प्रेजेंट जो विजिटेड अरे बेसिकली एंड इसमें 0 तो हो गया विजिट मार्क कर दिया और मैं हेल्पर को कॉल कर दिया क्या क्या पास किया हूँ रिजल्ट अरे अभी तक जो है मेरा एक या नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर है ये और प्रेजेंट है कि नहीं ये आपका वेक्टर पहली बात क्या बेस केस क्या है, रिजल्ट का साइज जो है अगर 2n के बराबर हो गया, अगर n 2 है तो 4 पॉसिबल नंबर है, रिजल्ट साइज 4 हो गया, 0123 का अरेंजमेंट मिल चुका है रिटर्न टू राइट, दैट्स अ बेस केस डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो क्या करना है जो लास्ट एलिमेंट अभी है ना, मतलब मान लो 01 है आपका अभी, तो लास्ट एलिमेंट 1 है आपको 1 को देखना पड़ेगा ना, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या रख सकते हो आप, तो लास्ट एलिमेंट अगर हम निकाल लिया ऐसे निकालते हैं शिफ्ट करंट एलिमेंट ये है, अब इसे कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है हर एक बिट पे जाना है 0 से n तक, वो बिट को चेंज करना है, चेंज करते हैं एक्सोर करके राइट, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 XOR 1 क्या होता है 0, 0 है तो शुभ बंद हो जाएगा राइट, ये बिट को चेंज कर दिया सिंपल। अब मैं देखा भाई जो बिट नया बन रहा है नया नंबर बन रहा है वो प्रेजेंट में है कि नहीं, अगर वो नहीं है तो भाई सही है तो आप क्या करना है कॉल करना है ना शुभ से yes. वही क्या देखिए अगर नहीं है वो मैं उसको कॉल कर दिया क्या आगे कैसे कॉल करेंगे आगे उसको प्रेजेंट में मार्क करो हाँ अभी विजिटेड हो गया मेरे भाई उसको रिजल्ट पुशबैक कर तो भाई हो गया एंड उसको कॉल कर दो राइट, बाई चांस वो ट्रू रिटर्न कर दिया शुभ तो भाई काम खत्म और आगे बताने रिटर्न टू, अगर फॉल्स रिटर्न किया तो अभी काम नहीं हुआ तो अपनी जो इसमें डाले थे इस प्रेजेंट में निकालना पड़ेगा भाई गलत तो करनी चाहिए, वेक्टर में डाले थे उसको भी निकालना पड़ेगा अभी काम करनी भाई फॉर्म फिनिश आपको ये कंटिन्यू करते रहना है बाकी ये काम आगे आपको सोचना नहीं पीएमआई कर देता है राइट yes. तो ये बस वही पीएमआई आपको अभी का काम सोचते हैं अभी मेरे को क्या करना चाहिए आगे का काम पीएमआई आपको हैंडल कर देगा एंड शिप प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम पीएमआई से किए थे तो अब आपको आइडिया लग जाना चाहिए पीएमआई कितना हेल्पफुल है आपको बस अभी करंट सोचते हैं आगे का काम पीएमआई कर देता है एंड दिस वाज द कोड गाइस आई थिंक दिस आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कोई डाउट नहीं बस मैं
बट ये कोड लिखना थोड़ा टफ था मेरे हिसाब से, बट अगर प्रैक्टिस से तो आप कर पाओगे, ठीक है? Yes. So, अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस, then do like, share, subscribe. And if you think that we are doing something valuable, तो थोड़ा शेयर कीजिए और कम्युनिटी में लोगों को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ठीक है? ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे ऑफ द चैलेंज में. कीप कोडिंग. जय हिंद.